का प्रयोजन क्या था। देखिए ये तो जो हम लोग हैं, हम तो भगवान राम की कथा को लाखों वर्ष पुरानी मानते हैं, परंतु आजकल के जो शिक्षा भी अंग्रेजी पद्धति के पढ़े हुए लोग हैं वे भी ये तो मानते हैं कि ईसा पूर्व 2,500 वर्ष पूर्व की कथा है, तो कम से कम बौद्धों और जैनों से तो पूर्व की कथा है। फिर एक और जो ग्रंथ आए वाल्मीकि रामायण के बाद, उनमें सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? महाभारत। और महाभारत के बारे में कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। महाभारत का नाम एक भारत भी है कि जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में नहीं है। महाभारत में भी राम कथा है, रामोपाख्यान बड़ा विस्तार से है, पर सीता परित्याग का वर्णन नहीं है। विष्णु पुराण है, नरसिंह पुराण है, इन पुराणों में भी वर्णन नहीं है। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे अनामक जातकम जैसे, गुणाग्य की कथा जैसी, उनमें नहीं है। ये बाद में कब जोड़ी गई? जब बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हो गया, और बौद्धों ने तो एक बड़ी ऊंचा काम किया। जो ऐसे बुजुर्ग मेरे सामने दो तीन बैठे हैं, इन लोगों को पता होगा अयोध्या में 30-35 साल पहले एक प्रदर्शनी लगी थी जो कम्युनिस्टों की एक संस्था सहमत उसने कराई थी, और उसमें हमें ये बताया था कि राम और सीता बहन भाई है। तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें तो ये कहा है कि राम को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 14 का नहीं, 12 वर्ष का वनवास हुआ था। राम तब अविवाहित थे, जब 12 वर्ष का वनवास निपटा कर वो आए तो उन्होंने अपनी बहन सीता से विवाह कर दिया। ये किस लिए कहा? हमारे सनातनियों को वैदिक धर्म को बदनाम करने के लिए, कह रहे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे यहाँ तो बहनों से विवाह कर लेते हैं, तुम्हारा जो सबसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे तुम कहते हो अपना ईश्वर मानते हो वो ऐसा काम कर रहा है। और जैन में जैन ग्रंथों की बात उन्होंने और ऊंची बात कही, बोले राम लक्ष्मण और रावण ये तीनों बाद में जैन बन गए थे, और राम के 8,000 रानियां थी और लक्ष्मण के 16,000 रानियां थी। ये था प्रयोजन, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को, हमारी मान्यताओं को नष्ट करने का प्रयास। और हम मक्षिका करते रहे, मक्षिका पाते ही मक्षिका संस्कृति एक सूक्ति है कि वो पहले कलम दबा से लिखते थे और वो कहीं कलम के साथ मक्खी आ गई और वो कागज पर जब नकल कर रहे थे तो कागज में पड़ गई, उसका भी एक निशान बन गया। उसके बाद मैंने उसका दोबारा फिर मैंने नकल की तो मैंने समझा यू भी कोई अक्षर होगा और मैंने भी एक मक्खी बना ली। ये मक्षिका पाते मक्खी, ये हम करते चले गए कि जो इन्होंने कह दिया। अब आते हैं हम वो जैन ग्रंथ पौंचर्य, जिसमें बताया है राम लक्ष्मण की बात, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जैनियों का पौंचर्य। आपने एक बात सुन रखी है दुर्मुख वाली, अब पहली बात सुनिए। गुजराती लोक कथाओं के अनुसार सीता का परित्याग लोकापवाद के कारण नहीं हुआ, अभी तो सीता ने कौशल्या की बिना अनुमति के भिक्षुक को भीख दे दी और कौशल्या ने सीता को घर से निकाल दिया। राम इतने माँ के अधिक वो पितृ मातृभक्त थे कि उन्होंने विरोध नहीं किया। ये गुजराती लोक कथाओं में बात प्रचलित है। बंगला नाट्य साहित्य में एक और कथा है
कि उर्मिला ने अनुरोध किया सीता से कि जीजी आपने रावण देखा था, रावण कैसा था? उर्मिला के अनुरोध पर सीता ने उसकी मूर्ति बनाई रावण की, और इतने ही भगवान राम घर में खाना खाने के लिए आ गए और वो सीता ने मूर्ति छिपा दी और राम की उस पर दृष्टि पड़ गई और राम ने सोचा कि अरे ये तो इतना रावण से प्यार करती है और उसका परित्याग कर दिया। ये बंगला नाट्य साहित्य में, और यही कथा बंगला नाट्य बंगला के एक रामायण, बड़ी प्रसिद्ध रामायण है कृतिवास की रामायण, जैसे हमारे यहाँ तुलसी की है या तमिल में कंबन की है, ऐसे ही कृतिवास की रामायण, उसमें ये काम कर दिया नगर की नारियों के द्वारा। नगर की नारियों ने अनुरोध किया, सीता ने वो बना दिया, चित्र बना दिया और नारियां चली गई। सीता घर बाहर से पीड़ित थी और उसी चित्र पर सो गई, या किसी ने लिखा है कि उसने अपने वक्ष पर चित्र रखा था, सो गई, और राम ने वो देखा और सीता का परित्याग कर दिया। ये मैं कह रहा हूं, यदि घटना एक होती तो एक ही तो कारण होता। ये तरह तरह के कारण गढ़ लिए गए हैं, ये तभी तो गढ़े हैं कि ऐसी घटना हुई नहीं थी। कुछ लोग कथाओं में एक और कल्पना की है कि सीता ने कौशल्या के लिए दातुन लाने में देर कर दी और कौशल्या ने सीता को बन जाने का आदेश कर दिया और लक्ष्मण वन में छोड़ाए। कुछ दिन बाद मालूम पड़ी कि सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, तो राम को भेजकर सीता को बुलवा लिया गया। एक ऐसी भी कथा है, ऐसी कथा भी लोगों ने बना रखी है। भोजपुरी लोक कथाओं में सीता पर कोई लोकापवाद नहीं, सीता के चरित्र पर कोई किसी लांछन नहीं लगाया, परंतु वहां ननद भौजी में द्वेष है। अभी मैंने ननद वाली बात आई थी, तो पहली बात तो ये सोचो कि राम के जन्म से बहुत पहले शांता का विवाह हो गया था, तो उस शांता का अपनी इस और वो उस भाभी का के पति का जो जन्म है, उसके पति के यज्ञ करने के कारण हुआ है, उस शांता का अपनी भाभी से क्या द्वेष होगा। पर एक कल्पना कर ली है ननद भाभी, मैं पंक्ति सुनाता हूं, ननदी भौजी दोनों एक मत एक साथ रहती हो। हे भौजी, नंद कहते हैं भौजी, कवन सरी के रावण हवन, रावण कैसा था ते हमको बताओ, वो हमको बताओ। सीता ने कहा कि यदि मैंने रावण का चित्र बना दिया तो तुम्हारे भैया तो मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए मैं कैसे बना सकती हूं। तो ननद ने कसम खा ली, लाख दुहिया राजा दशरथ की, मैं राजा दशरथ की दुहाई देती हूं, भैया माथा छुई हो, भैया राम का माथा छूकर कहती हूं, भौजी लाख दुहिया लक्ष्मण भैया, भैया सो ना बतावत हो, भैया को नहीं बताएंगे हम, तुम बना दो। और सीता उसके चक्कर में आ गई, सीता ने वो चित्र वो बना दिया चित्र, और भौजी ने क्या काम किया, उस चित्र को ले जाकर महल में टांग दिया। और जब भैया खाना खाने आया तो भैया को बता दिया कि भैया देखो, ये इतना प्यार रावण के प्रति इनके हृदय में बसा हुआ है और सीता का परित्याग कर दिया। और सुनिए, मैं बता रहा एक बुंदेली लोक कथाओं में भी बिल्कुल इसी तरह से नल भौजाई का है। भैया जौन रजन्म रवनवा तोरा जन्म का बैरी, भोजी उरोई, नंद ने कह दिया चित्र बनवा लिया, यही कहकर उसका चित्र बना दो। और भैया से कहा, भैया जो तुम्हारा जन्म का बैरी रावण है, भाभी उसका चित्र बना दी और वो निकाल दी गई।
मालवी कथा में एक और बात कही, बिल्कुल यही, पूछी रंग मंगा दासी ते रावण ने चित्रायो, भाभी दासी से रंग और कूची मंगवाओ, रावण का चित्र बनाओ, चित्र बनाने भाभी मन ने रावण रूप दिखाओ, मुझे रावण का रूप दिखाओ, कैसे रावण कैसा था। तो इसमें उसने चित्र बना दिया और उसने फिर जाके महल में टांग दिया। और कवि लिखता है, लोग कवि जुगल खोर नंदनी मेला में जा टंगवायो, वो जुगल खोर जो नंदी थी ननद थी उसने वो चित्र महलों में टंगवा दिया। और फिर राम दे कहो, देखो भाभी री चित्रावण, देखो भैया कैसा चित्र बनाया भाभी ने। और हृदय में जो वो हृदय में थो दुबको बैठो बाहर आयो रावण, जो रावण भाभी के हृदय में बैठा हुआ था वो इस चित्र के माध्यम से सामने आ गया। एक कथा तो और बड़ी विचित्र है, वो तेलुगु रामायण की, तेलुगु रामायण की जो लोक कथा है, सूर्पणखा अभी रावण को भूली नहीं है, वो रावण के पास आती है, राम के पास आती है और राम से कहती है, अरे मुझे बहुत सिद्धि प्राप्त है, तो इन सिद्धियों को ले ले। राम उसको घास नहीं जेड़ते और उसे शांता के पास भेज देते, और शांता भी उसको घास नहीं जेड़ती, वो भी उसे भगा देती है, तो सीता के पास जाती है, सीता उसका सत्कार करती है, उसे साड़ी देती है, बर्तन कपड़े देती है और क्या जेवर आदि देती है, और उसे कहती है तू जा, बोले ना मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं जब जाऊंगी तो मुझे तू रावण का चित्र बनाकर। देखा रावण तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो उसे हमेशा अपने पिता के रूप में देखा है। जब उसने बहुत जिद की तो सीता ने कहा, मैंने एक उसके पैर का अंगूठा एक बार देख लिया, बोले उसी का चित्र बना। सीता ने पैर के अंगूठे का चित्र बना दिया और सूर्पणखा उस चित्र को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास गई और भगवान ब्रह्मा से कहा कि तुम इसमें प्राण डालना। मैं ये बता रहा हूं कैसी कैसी कथाएं घड़ी गई हैं। भगवान ब्रह्मा ने प्राण डाल दिए, सूर्पणखा फिर आई और उस चित्र को सीता के घर में छोड़ गई, सीता के पास छोड़ गई। अब वो चित्र कहने लगा सीता से, चल मेरे साथ तू लंका चल। उसने कहा कि देख इतने राम आके दिखाई दे, उसने कहा तुझे मेरी पति की सौगंध है, तू चुप बैठ। और सीता ने ऊपर के लिए सरका दिया चित्र। और रात को जब ये दोनों अपने एक कक्ष में एक साथ थे तब वो चित्र बाहर निकल आया। और जब बाहर निकल आया तो राम ने कहा ये कैसे, सीता ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे ये नारियों का हृदय तो बड़े दुष्ट होता है, बड़ी बड़ी बातें छिपाए बैठी है। और सीता को बाहर निकाल दिया, ये भी कल्पना है। और सुनिए, एक आचार्य तुलसी हुए जैन मुनि, जैन मुनि ने ये कहा कि सीता को निकालने का षड्यंत्र उसकी सौतनों ने किया था। यानी हम जो भगवान राम को एक पत्नी व्रत मानते हैं, इन लोगों ने यह सिद्ध करने के लिए कि राम की अनेक रानियां थी, जैनियों ने 8,000 रानियां बताई। और आधुनिक काल में तुलसी ने, जैन मुनि तुलसी ने, तुलसी वो तुलसी नहीं रामचरितमानस वाला, नहीं, जैन मुनि तुलसी ने ये कहा सौतन का काम है। और इससे कैसे कैसे लोग प्रभावित हो गए। दुख इस बात का है वो लोग प्रभावित हो गए, मैं कल आपको बता रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास की सीता कौन है, उद्भव स्थिति संहार कारणी। यानी हमने तीन देव बना रखे हैं, एक उद्भव का है, एक स्थिति का, एक संहार का है, और सीता अकेली तीनों में है, अकेली सीता में वो तीनों गुण है जो उन तीनों देवता में, अकेली सीता में उद्भव स्थिति संहार कारणी। और तुलसी की सीता जगन माता है, तो तुलसी सीता पर कलंक तो नहीं लगा सकते, इसलिए रामचरितमानस में सीता परित्याग नहीं दिखाया। पर तुलसी भी थोड़े प्रभावित हो गए और उनका एक ग्रंथ है गीतावली, गीतावली में उन्होंने सीता परित्याग दिखाया। और अब देखिए क्या कल्पना की, कल्पना ये की कि भगवान राम ने अपनी 12,500 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी और
दशरथ की असली मृत्यु हुई थी, तो दशरथ की आयु भगवान राम को मिल गई। अब भगवान राम ने सोचा कि पिता की आयु का भोग करते समय मैं सीता के साथ वो व्यवहार तो नहीं कर सकता जो पति पत्नी के साथ करता है। इसी समय उन्हें दुर्मुख से खबर मिल गई और उन्होंने सीता से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं वो जानती हैं कि गर्भवती महिलाएं की जो इच्छा होती है उसे दोहद कहते हैं, उसका पूरा करना बहुत जरूरी है। किसी का कुछ खाने को मन करता है, किसी का कुछ खाने को मन करता है, तो ये कोशिश करती है उनकी सासू माँ कि हम अपनी बहू की जो जो अभिलाषाएं हैं दोहद माने गर्भावस्था में उन्हें पूरी करें। तो सीता ने कह दिया कि मेरा वन में फिर जाने का मन कर गया। तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ इन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ो। मैं समझता हूं मैंने लगभग आपको एक दर्जन कारण बता दिए हैं, अब इनमें कोई सत्यता है क्या? अब आप ये कहेंगे कि ये कल्पित कथा है यदि तो ये स्वीकृत कैसे होगी, इतनी फैल कैसे गई? तो इसे मैं अनेक उदाहरण सुना दूंगा आपको। महाभारत में एक उपाख्यान है शाकुंतलोपाख्यान, शकुंतला दुष्यंत वाला। दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में आता है, उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है। गंधर्व विवाह ये जहां लड़के लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं। वो बन गए, सहयोग हुआ, संभोग हुआ और शकुंतला गर्भवती हो गई। वो ये कहकर चला गया कि मेरे कुछ सेवक आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, और फिर उसको भूल गया चूंकि वो व्यभिचारी राजा था। उसे डर था कि ऋषि की कन्या से मैंने ऐसा व्यभिचार किया मेरी जनता क्या कहेगी। जब उसके भरत पैदा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो कर्ण ने उसे कहा बेटी क्या तू अपनी ससुराल जा, और उसने जान बूझ के पहचानने से मना कर दिया। मैं तुझे जानता ही नहीं, तू झूठ बोलती है, मैंने तुझसे कभी बात किया ही नहीं। अब कालिदास को एक नाटक लिखना था इस कथा पर। अब व्यवचारी तो नायक हो नहीं सकता, नायक हमारे होते हैं धीर उदात, धीर ललित, धीर प्रसान, धीर उद्धत, चार प्रकार नायक होते हैं। तो धीर ललित नायक बनाने के लिए कालिदास ने एक कल्पना कर ली कि जब दुष्यंत गंधर्व विवाह करके चले गए तो सचमुच में कितनी खुशी होगी उस लड़की को शकुंतला को। अब मैं रानी बनूंगी, महलों में रहूंगी, कहां कर्ण के आश्रम में वर्कर वस्त्र धारण कर रही हूं। वो उस मग्न में बैठी थी, आंख बंद करके चिंतन कर रही थी, सोच रही थी कि सामने से दुर्वासा ऋषि निकल गया और वो प्रणाम नहीं कर पाई आंख बंद होने का। और तुम जानते हो दुर्वासा बड़ा क्रोधी है, उन्होंने श्राप दे दिया जा तू जिसे याद जिसके चिंतन में डूब रही हो तुझे भूल जाएगा। ये कल्पना कर ली और इस कल्पना के आधार पर शाकुंतल नाटक बन गया। उसकी दो सखी थी प्रेम मदार अनुसुईया, उन्होंने आपा जोड़े दुर्वासा के महाराज आपने क्या कर दिया, कैसे कृपा करो। उन्होंने कहा अच्छा चलो इतनी कृपा है कि इसके पास जो चिन्ह छोड़ गया है वो तो चिन्ह दिखाएगी तो याद आ जाएगा, अंगूठी दे गया। ये तो पुरानी कथा, मैं और कथा बताऊं। भाई यहां इतने लोग बैठे हैं, मंगल पांडे के बारे में तो सबने सुन रखा, क्रांति का प्रथम व्यक्ति था 1857 क्रांति का। मैं मेरठ के निकट रहता हूं, पहले तो मेरा स्थान मेरठ जनपद में ही था, फिर जनपद नहीं नहीं बने, मैं गाजियाबाद में हो गया, अब हापुड़ में हूं, पर मेरठ तो हमारा घर है। हमने तीन तीन बहुएं मेरठ से ली है, बालक रह रहे हैं मेरठ में। मेरठ वाले ने ये मान रखा है कि मंगल पांडे मेरठ का था, वहां मंगल पांडे नगर भी है और अनेक चौराहे त्राहे पर मंगल पांडे की मूर्ति रखी हुई है। परंतु मंगल पांडे था कहां का, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, सामान्य ज्ञान वाले को बलिया का रहने वाला था।
मेरठ से सब कोई संबंध नहीं था। उसने क्रांति का बिगुल बजाया मार्च 1857 में और अप्रैल 1857 में उसको फांसी दे दी गई। आज भी मैंने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मन से ये कहते सुना है कि मंगल पांडे ने 1857 में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ किया, जबकि मंगल पांडे को फांसी मिल गई अप्रैल में, मेरठ में क्रांति कब हुई 10 मई को। एक असत्य चल रहा नहीं चल रहा। और एक दो बता जरा अहिल्या पर बात कर ले। वाल्मीकि रामायण की जो अहिल्या है जब गौतम के वेश में इंद्र उसके पास आता है तो अहिल्या गौतम को पहचान लेती है। जो हमने तो केवल तुलसीदास पढ़ रखा है कैसा वो गौतम के वेश में आया था, अहिल्या पहचान नहीं पाई थी। परंतु जो मूल कथा है वाल्मीकि रामायण उसमें वह पहचान लेती है और प्रसन्नता महसूस करती है कि देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। तो जो अनैतिक संबंध जुड़ा वो अहिल्या की सहमति से जुड़ा। एक बात देखिए, ये नई बात आपको लगी होगी। दूसरी बात, जब गौतम ने शाप दिया इंद्र को, शाप दिया कि विफल हो जा, विफल वह पुरुष है पुरुषों के बाद जिससे प्रजनन शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, और पत्नी को शाप दिया कि तू इस आश्रम में रहकर धूप जाड़ा वर्षा सहती हुई निराहार वायु पीकर या उपवास करके संसार की दृष्टि में अदृश्य रहकर तप करेगी, और जब श्री राम तेरे इस आश्रम में आएंगे तब तेरा शाप से मुक्ति होगी। भगवान राम आए, जो अहिल्या किसी को नहीं दिखाई दे रही थी वो सबको दिखाई देने लगी। राम ने देखा अनुपम सुंदरी दैवीय प्रतिभा मायावी रूप, और भगवान राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए, और जब वे मिथिला पहुंचे तो राजा जनक के पुरोहित और अहिल्या के पुत्र शतानंद ने पूछा, हमारी माँ बहुत दिन से तप कर रही थी, इन राजकुमारों को माँ के दर्शन कराए, तो बड़ी कौन है? अहिल्या। राम बड़े नहीं, माँ के दर्शन कराए ये नहीं कि माँ को इनके दर्शन कराए, ये नहीं, हमारी माँ का दर्शन इन राजकुमारों को कराया। ये कथा मूल कथा है वाल्मीकि रामायण में। अध्यात्म रामायण में थोड़ी सी बदल दी है, ऐसी तैसी, वहां भी इंद्र को पहचानती तब है जब संबंधों में फिर तब पहचाना, परंतु फिर भी मना नहीं किया। और दोनों जगह एक बात कही है, इंद्र कहता है परिपुष्टो अहम्, मैं संतुष्ट हो गया, और अहिल्या कहती है संतुष्टो अस्मि, मैं भी संतुष्ट हो गई, अब तुम जाओ मेरे पति के श्राप से बचने के लिए। गौतम आ जाते हैं, गौतम यहां श्राप देते हैं, यहां श्राप थोड़ा बदल दिया है, तो सहस्त्र योनि हो जाएगा, नारी की योनि के चिन्ह तेरे सारे शरीर में बन जाएंगे, और अपनी पत्नी को श्राप दिया तू इस आश्रम में रहकर, वही सारी बातें हैं, आश्रम में रहकर निराहार रहती हुई उपवास करती हुई वायु पीकर इस शिला पर बैठकर तप करेगी, शिला पर बैठकर तप करेगी, और जब श्री राम इस शिला का अपने दोनों चरण से स्पर्श करेंगे तब तू शाप से मुक्त होगी। इसके माने फिर राम जब आते हैं तो वो शिला का स्पर्श करते हैं डाकी अहिल्या का, और फिर कहते हैं, एक परंपरा है, जैसे मैं आपकी अपने बड़े को प्रणाम करूं, मैं चंपा शर्मा आपको प्रणाम करता हूं,
तो राम कहते मैं राम आपको प्रणाम करता। इसका अर्थ है कि वाल्मीकि की अहिल्या भी जीवित ना रही है और अध्यात्म रामायण व्यास की भी अहिल्या जीवित ना रही है और दूसरी की अहिल्या क्या है पत्थर। वो इतना तो बैठा तो पत्थर बैठाइए बढ़िया तो पत्थर हो गई और वो राम उसका चरण से स्पर्श कर रहे हैं। जरा सोचो राम का पूरा व्यवहार अयोध्या में रहते समय और वनवास की पूरी अवधि में या अपने राज्य के समय जब जब वो किसी ऋषि मुनि के आश्रम में गए हैं तो राम ने सबकी चरण वंदना की। राम वाल्मीकि के राम ईश्वर के अवतार नहीं है। वाल्मीकि राम महामानव हैं। वो मानवत व्यवहार कर रहे हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण पूज्य है हर जगह वो उनकी चरण वंदना कर रहे हैं और राम यहाँ व्यतिक्रम कर देंगे कि ऋषि पत्नी को अपने चरणों से स्पर्श करेंगे और वो फिर ऋषि पत्नी चरणों में लेटेगी। ये थोड़ा सा देखिए मेरे लिए गोस्वामी तुलसीदास प्रातः स्मरणीय है और मैं जिस कक्ष में सोता हूं वहां उनका चित्र लगा हुआ है। मैं प्रातः उनके दर्शन करता हूं पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर थोड़ी पीड़ा आती है। तो मैं कह रहा था कथा कैसे चल जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई बंगल पांडे की कथा है ये कथा है तो कथाओं को बदलने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। एक और कथा बन चल गई जो कहीं नहीं है वाल्मीकि रामायण में नहीं है